देश तो आजाद हो गया, लेकिन मऊगंज के रहवासी आज भी जी रहे हैं गुलामी का जीवन। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो अभी हाल ही में बना है। यह बना तो अभी है, लेकिन यहाँ के लोग इसे जिला बहुत पहले ही मान लिए थे। यहाँ चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई जिला के नाम पर रोटी सेक रहा है। आपको बता दें, मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर में ही यहाँ का विकास अपनी हकीकत बयां कर रहा है। यहाँ के लोग सड़क न होने से जेल में कैदी के समान अपने जीवन को बिता रहे हैं। एक बुजुर्ग ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो वो बचने की उम्मीद छोड़ जल्द मर जाने की इच्छा व्यक्त कर लेता है। अब सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ, तो आपको बता दूं, मऊगंज के खैरा ग्राम पंचायत में लोगों को घर जाने तक के लिए सड़क नहीं है। यहाँ के बच्चे बरसात में बिना चप्पल के ही स्कूल जाते हैं। पानी के बोर ही नहीं है, लोगों ने कहा पीने के लिए पानी कुआं से लाना पड़ता है। बात करें अगर इनके स्वास्थ्य व्यवस्था की, तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ कोई बीमार हो जाए तो उसे खटिया में लाद कर लगभग 5 किलोमीटर ले जाना पड़ेगा, तब सड़क से एम्बुलेंस या अन्य वाहन की सुविधा मिलेगी। लोगों का कहना है कि यहाँ के नेता वोट मांगने तो आते हैं और फिर 5 वर्ष नजर ही नहीं आते कि हम रहते कहाँ हैं, हम लोग यहाँ कैसे रहते हैं, यह हमारी आत्मा ही बयां कर सकती है। हमारी आबादी हजारों की है, लेकिन शासन की योजना सिर्फ कागज पर ही मिलती है। देखिए पूरी खबर आशुतोष शुक्ल के साथ। कौन सी स्कूल पढ़ती है? खैरा नंबर 3 में। तो तुम्हारे स्कूल में छुट्टी हो गई? आधी छुट्टी हो गई। पढ़ाई होती है स्कूल में? और रास्ता है स्कूल जाने के लिए? रास्ता है तुम्हारे स्कूल जाने के लिए? कहाँ है? मेड़ ही ना कि रास्ता है? ये मेड़ है कि रास्ता है? रोड नहीं है? रोड तो नहीं है तुम्हारे जाने, बरसात में कैसे जाते हो? ये नहीं कि उनका किताब दिया है, स्कूल पढ़ाई होती स्कूल में बाहर बैठते हैं, अंदर अंदर बैठते हैं। गैस मिला है? नहीं तो काहे उज्ज्वला गैस काहे नहीं मिला? नहीं मिला तो क्या करी हम? फार्म वरम भरे रहन? फार्म भरे रहन, सब चीज करे रहन, नहीं मिला हमका। का कहिन कि अपना योग्य नहीं है? सरपंच नहीं कहन? सरपंच साहब कहन काहे करा उतन का करे? अपना की विधायक नहीं हम हियन? नहीं अपना पंचे 1500 के आबादी में रही लागे, अपना की विधायक अपना गांव नहीं हम वोट मांगे? नहीं आवे नहीं। तो पानी तो सरकार कहती कि हम नल जल योजना चलाए हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, देखी ना रोड नहीं है तो कुछ नहीं है, नानी ने पानी हैंडपंप गड़ा है, कजानी कब तक उठाऊ? अपना पंचे पानी पिए कहाँ जाए? पानी ले कुआं के पी थे, कुआं के पानी पी, हाँ पन्ने से खुदाए हैं, आन के घरे से लिया है कि पी थे? अच्छा, हमारे वहाँ नहीं है। और अपना पंचन के अपनाओं के कौनो समस्या ही? लड़किया का देला कैसन पढ़ाई जाता? अरे मरे बड़े बड़े हाँ, बड़े बड़े हाँ, और कौनो समस्या शासन के मारी तला है जगह ना सड़क फड़क हुई कदाई में मारी थे और का है? कभो कही तो नहीं है शासन? कही थे, वोट लाला जीत के फुर्सत दियो के ही हम फिर के मुतता भर नहीं आई, दोबारा उतई नहीं, नहीं है। तो अब की फिर से केका देव वोट? केका देव जे हमार करी काम तो ही के देव वोट? तो के करी अपना तो कहते के वोट है भर मांगा आवत हम? ये वोट दे माने हम देव वोट, जे हमार काम करी तो ही के वोट दे। दादा अपना के गांव में सड़क नहीं है तो का कुछ समस्या हो लगी? अपना का पहुंच मार्ग ना होने से हर एक समस्या है। पहली बात तो यहाँ पहुंच मार्ग नहीं बना, कोई बीमार हो जाए, अब हम बीमार आदमी यहाँ रोड नहीं है, वाहन नहीं आ सकती, खेती कराने में परेशानी होती है, ट्रैक्टर वक्टर नहीं आ जाते,
यही निवेदन है कि इसमें ख्याल किया जाए कि माने आराम से रह सकें, खेती पाती डूब जाती है, वाहन नहीं है, साधन नहीं है। विधायक सांसद वोट मांगने नहीं आते इस गांव में? हाँ आते हैं, सब आते हैं। तो उनसे आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि यहाँ रोड बनवाया जाए? सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्या कहें, सब बोलता हूँ। यहाँ गांव गांव तो आते नहीं है, सड़क पर आ गए अपन जहाँ उनका पहुँच मार्ग है, घर घर नहीं आते, घर घर नहीं आते हैं, नहीं है। और सरपंच लोग क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, वो भी कहते हैं कि शासन का काम है, जब जगह मिले तब आएंगे, जगह कोई देने वाला नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो कैसे आप लोग जाते होंगे? अरे यहाँ मृत्यु हो जाएगी, यहाँ दो बार ऐसा हुआ कि घटना घटी, जाना बाहर से आदमी, हम बेहोश हो गए थे हॉस्पिटल बीवी सिंह के यहाँ गए, जो अगर 5 मिनट न पहुंचते तो मृत्यु हो जाती। मतलब यहाँ से अगर कोई बीमार है तो 90% चांस है कि मर के ही जाए? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, कोई साधन ही नहीं है कोई यहाँ जीवित रहने का, भगवान के यहाँ। यहाँ से मेन रोड कितनी दूरी पे है? एक किलोमीटर है। एक डेढ़ किलोमीटर है। अभी मैं खैरा ग्राम पंचायत के सचिव जी के पास में हूँ, पंचायत कार्यालय में उपस्थित हूँ। यहाँ जहाँ पर पंचायत कार्यालय बना हुआ है, यही पंचायत कार्यालय के बगल में खैरा क्रमांक 1 शासकीय माध्यमिक विद्यालय है जो कि आप तक है। यहाँ पे भी मैंने देखा कि बच्चे बाहर बैठे पड़ रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग गिरी हुई है, और बगल में ही पंचायत कार्यालय है जहाँ प्रतिदिन सचिव बैठते हैं, ग्राम रोजगार सहायक भी यहाँ उपस्थित। मैं सचिव से जानना चाहूंगा कि इस परिसर में बैठने के बाद बगल में ही आपके विद्यालय एक ही परिसर में चल रहा है और बच्चे बाहर बैठे पड़ रहे हैं, बच्चे बाहर बैठ पा रहे हैं, इसके लिए बात मैंने क्या था विधायक जी से, सरपंच द्वारा लेटर पढ़कर लिखकर दिया गया था, विधायक जी से माफ किया था कि प्राथमिक कमरा दीजिए जिससे कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सुविधा होता है, और आंगनबाड़ी के लिए दिया माफ किया था जो आज तक नहीं मिला। सचिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने विधायक जी को बोला, विधायक जी से आपने कहा, सरपंच लेटर पैड में आपने कहा बहुत अच्छा किया आपने, और हो सकता है कि आपके विधायक जी या क्षेत्र के विधायक जी को ये शिक्षा का महत्व न पता हो। इनमें एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके हरमुना जनपद लगता है, हरमुना जनपद में जो वर्तमान में सीओ है, क्या आपने कभी सीओ साहब से इस विषय में चर्चा किया है? ना सीओ साहब को लेकर पूरा ग्राम पंचायत या जो भी जनपद पूरा आता है सीओ के अंदर में जो भी कार्रवाई होती है, सबसे पहले पंचायत के बाद सीओ के पास जाती है, सीओ के बाद फिर एसडीएम के पास जाती है, तो आपने आज तक सीओ या एसडीएम से क्यों नहीं बोला? मैं सीओ एसडीएम से तो नहीं बोला, और माफ किया था विधायक से, विधायक में से पैसा मिल जाए पूरे काम हो जाएगा। आप जनपद सीओ से और एसडीएम से बात नहीं की, तो मतलब इसका मतलब साफ साफ ये जाहिर होता है कि आपको 100 बच्चे लगभग बाहर बैठे दिखे थे, इन 100 बच्चों का भविष्य आपको नहीं दिख रहा है? नहीं, भविष्य दिख रहा है बच्चों का, अब मांग भी मैंने की है। तो आप विधायक जी से मांग किया, आप सच्चा अधिकारी से मांग क्यों नहीं किया आज तक? मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता आपसे ये सवाल करना चाह रही है, मैं जनता के प्रतिनिधि के रूप से आपसे बात कर रहा हूँ कि जनपद सीओ और एसडीएम से अभी तक आज दिनांक तक आपको 1 साल यहाँ पदस्थ हुए हो गया, आज दिनांक तक आपने क्यों बात नहीं किया? क्यों बात नहीं किया? मैंने पूरी किया तो नहीं बात करता की विधायक जिसे कहेंगे और हमारी बात पूरी करेंगे, इसलिए मैंने नहीं किया। अभी मैं ग्राम पंचायत खैरा में ही 3 नंबर खैरा में था, वहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, आवास योजना, लाड़ी बहना, पेंशन योजना की बहुत समस्या है। कोई भी समस्या नहीं है, यहाँ पूरा लाड़ी बहना हो गया है, और पानी की भी समस्या नहीं है, और जहाँ तक की रोड की बात है तो रोड इस ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि नहीं है, अब दान पत्र धीरे धीरे रोड नहीं बन सकती है, रोड जो कमी है वो प्राइवेट में कमी है, लेकिन इसका कानून तौर पर दिया जाए तो शासकीय होना चाहिए, नहीं तो दान पत्र होना चाहिए तभी रोड बन सकती है। अगर कोई भूमि अधिग्रहण का नियम आपके पास नहीं है, कोई दान पत्र नहीं देता है, तो क्या जो 1200-1500 की आबादी इस क्षेत्र में है, इनको बीमार होते हैं ये कैसे जानेंगे, या इनको शिक्षा, मुख्यालय, कहीं भी आने जाने में जो इतनी समस्याएं हो रही है, अगर मान लीजिए जिसकी जमीन है वो नहीं दे रहे, तो क्या शासन
कमजोर है और शासन कमजोर है कि नहीं है, लेकिन हमारे पास जब क्या है कि अगर दान पत्र दे सकते हैं तो बनवा सकता हूँ, अभी तो शासकीय भूमि को बनवा सकता हूँ, इसके अलावा तो काम नहीं कर सकता हूँ। तो क्या आपने कभी इस विषय में कलेक्टर से या जनपद सीओ से एसडीएम से किसी सक्षम अधिकारी से बात किया, किसने दूसरा रास्ता क्या होता है, ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए जिससे लोगों को सड़क की सुविधा मिल पाए और लोग अपना जीवन सही तरीके से जी पाए? ना हम तो बात नहीं किया। तो सचिव जी आप एक साल से हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोग जी रहे हैं, लोगों के पास कोई बीमार हो जाता है, अभी बुजुर्ग ने बताया कि बीमार हो जाते हैं तो हमें 90% चांस ये होता है कि हम मर गए ये मान लेते हैं क्योंकि हम पहुंच नहीं पाते समय से, तो ऐसे में आप बात नहीं किए, मैं तो किससे बात करें, आप सक्षम अधिकारी से बात करिए, कलेक्टर से बात करिए, सीओ से बात करिए, एसडीएम से बात करिए, आपने किसी से बात नहीं की। आप बोल रहे हैं कि हम दान पत्र में देंगे, आप बोल रहे हैं कि दान पत्र मुझे नहीं मिल रहा है, जिनकी जमीन है मुझे दान पत्र नहीं दे रहे, रोड नहीं मिली, ये तो कोई जवाब नहीं। आप सक्षम अधिकारी से बात करिए, हो सकता है कोई दूसरा रास्ता निकाले। नहीं, मैंने प्रयास किया दान पत्र के लिए, दान पत्र रास्ता बन रहा है, लेकिन दान पत्र मेरा लेने को तैयार नहीं। नहीं, दान पत्र तो हमारा पहला ऑप्शन होगा, दान पत्र आप बोल रहे हैं, चीज मैं आपसे सहमत हूँ कि दान पत्र पहला ऑप्शन होगा, लेकिन अगर दान पत्र नहीं मिलता है और इस गांव की आबादी 1000 लोगों की आबादी है, वहां अगर कोई घटना घटी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार क्या बताऊंगा, ये कौन होगा? सचिव आप हैं, आप एसडीएम से बात नहीं किए, आप सचिव हैं, आज आप दिनांक तक ना तो एसडीएम को आपने जब बताया, ना तो आपने कलेक्टर को बताया, ना आपने सीओ को बताया, तो जिम्मेदार कौन होगा? अगर रास्ता बनवाने के लिए अगर कोई भी कार्य लेते हैं तो शासन जरूर चाहिए, अनेक तो दान पत्र चाहिए, अनेक रास्ता, ये कोई बहाना हो गया। आपने, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप आज दिनांक तक इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी समस्या से जूझ रही है, कल को भगवान ने करे कोई घटना घटित हो जाए, आप आज तक सूचना नहीं दिए सक्षम अधिकारी को, सक्षम अधिकारी कार्रवाई कैसे करेंगे? हाँ, सूचना तो रहती है, आपने देखा कि अभी मैं सचिव जी के साथ में था और इनका साफ साफ कहना है कि ये आज दिनांक तक किसी भी विषय में ना तो जनपद सीओ से बात किए हैं, ना तो एसडीएम से बात किए हैं और ना ही कलेक्टर से बात किए हैं। यहाँ पे साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि सचिव जी ग्राम पंचायत के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है इनको, ये सीधे से ये कहना चाहते हैं कि हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम अपनी जिम्मेदारी दान पत्र मुझे देंगे तो हम सड़क बनवाएंगे, नहीं देंगे तो सड़क नहीं बनेगी। जबकि मैंने सचिव जी से आपने देखा कि कई बार सवाल किया कि आखिर आपने आज तक जिम्मेदार अधिकारियों को इस सूचना से अवगत क्यों नहीं कराया? सचिव जी का साफ साफ कहना है कि मैं इस चीज की जरूरत नहीं समझता हूँ, इसीलिए एक साल से ऐसी समस्याओं को लेके ना तो किसी सक्षम अधिकारी के पास गया हूँ और ना ही किसी भी तरीके का प्रयास किया हूँ, मैं अपने तरीके से प्रयास किया, मुझे दान पत्र मिलेगा तो मैं सड़क बनवाऊंगा, मध्य प्रदेश शासन की भूमि मिलेगी तो मैं सड़क बनवाऊंगा, अन्यथा की जिम्मेदारी में मैं किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी निभाने करने के योग्य नहीं हूँ। आपने देखा कि मैंने सचिव जी से ये भी पूछा कि आप जिस परिसर में बैठे हैं, इसी परिसर में स्कूल का भवन लगा हुआ है, स्कूल भवन गिरा हुआ है, स्कूल में बच्चे बाहर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, सचिव जी का कहना है कि एक कमरे में ही बरसात में 100 बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं, जबकि जो कमरा मैंने देखा वो कमरा 8x10 से ज्यादा का नहीं है। सीधे सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत खैरा जो मुख्यालय मऊगंज से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है, यहाँ भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से रहित है, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हर तरीके से मौन है, किसी भी प्रकार की व्यवस्था पे ध्यान देने के लिए तैयार नहीं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके साथ आशुतोष। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।